हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट साइज इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक लाइन में। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कंपनी में, सर आप ट्रायल करते हो तो शॉर्ट साइज कैसे रखते हो और पार्ट कैसे फिल करते हो, आपको पता कैसे चलता है कि शॉर्ट साइज इतना रखना चाहिए। वो एक फार्मूला है, उसके आधार पर मैं शॉर्ट साइज कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कमेंट में ये बताना कि हमें आगे क्या दिक्कत आ रही, कैसे हमें सीखना है, और कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित जो हम ट्रायल करते हैं क्या क्या रखते हैं। लो, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल की डेंसिटी पता होनी चाहिए कितनी है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम। तो हम एक हाई हीट और हाई फ्लो वाला मटेरियल लेते हैं, उसकी डेंसिटी वन पॉइंट फाइव टू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गई हाई हीट और हाई फ्लो वाला मटेरियल। उसके बाद हमें मशीन के स्पेसिफिकेशन के आधार पर मशीन के स्क्रू का डाया चाहिए हमें। तो मशीन के स्क्रू का डाया यानी कि डाया होगा 28 mm मान लो है, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 सेंटीमीटर। फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। इससे पहले हमें शॉर्ट साइज शॉर्ट वेट पता होना चाहिए, पार्ट का शॉर्ट वेट कितना है। वो मोल्ड फ्लो में पता रहता है शॉर्ट वेट कितना होगा पार्ट का, तो वो हमारा हो जाएगा शॉर्ट वेट मान लो 40.6 ग्राम है। तो अब हम जानते हैं जैसे कि वॉल्यूम वी इक्वल टू होता है एम यानी मास अपॉन डेंसिटी। तो मास जो है वो हो जाएगा आपका जो पार्ट था उसका वेट, वो है 40.6, और डेंसिटी आप जानते हैं इतना 1.52। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं वीडियो ज़्यादा ना बने इसलिए, बड़ा ना बने इसलिए मैंने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। 7 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसके बाद सिलेंड्रिकल वैल्यू वो निकालना होगा हमें, क्योंकि जो सिलेंडर आकार में रहता है, जो इस वो रहता है स्क्रू, जो स्क्रू रहता है बेरल रहती है उसका स्क्रू, वो सिलेंड्रिकल आकार में रहता है। तो इसके लिए सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ये होगा वी इजकल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, एच होता है आर स्क्वायर यानी डी, वही हो जाएगा इसका आर जो रेडियस रहता है वो हो जाएगा। तो ये एल है, तो हमें एल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एल की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एमएम में, 4 ×
ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये होगा, उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में आएगा ये, तो सेंटीमीटर को हम एमएम में कन्वर्ट कर देंगे। ये एमएम हो जाएगा, यही हो जाएगा शॉर्ट साइज। यानी कि हम 40.6 ग्राम के पार्ट को भरने के लिए मशीन में इतना शॉर्ट साइज देना होगा। ये हमने शॉर्ट साइज आज कैलकुलेट किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये फार्मूला, हम सिम में निकाल के लाए, सिम करते हैं जो, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू, और कमेंट करके भी बता देना कि कैसा बना है और क्या आप लोगों को सीखने को मिला इसमें। थैंक यू।